इंस्टीट्यूट कंकरखेड़ा मेरठ से, और आप सभी का स्वागत है हमारे म्यूजिकल चैनल चौधरी ब्रदर्स पर। और आज आपके लिए एक बहुत प्यारा सॉन्ग दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ये सॉन्ग ऐसा है कि जो म्यूजिक सुनते हैं उन सभी ने लगभग सभी ने ये सॉन्ग सुना होगा। सुपरहिट सॉन्ग है, और जो हारमोनियम सीखते हैं या कीबोर्ड सीखते हैं वो ये सॉन्ग 99% लोग सीखते हैं और बजाने की कोशिश करते हैं। इजी सॉन्ग है, और अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से इस लेसन को देखेंगे तो आप बड़े इजीली तरीके से इसको बजा पाएंगे। और आज मैं आपको इस सॉन्ग का लेसन जो करूँगा आपके लिए, इसका जो लिरिक्स पार्ट है वो भी स्थाई और अंतरे की कंपोजिंग की नोटेशन, और एक म्यूजिक पार्ट हम इसका करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये लेसन आज का। और लेसन शुरू करने से पहले आपसे बस यही गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने घर बैठे निःशुल्क संगीत सीखने के लिए। आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। और सबसे पहले देखेंगे इसका स्केल, हमने रखा है सी शार्प माइनर, इसका कॉर्ड बनेगा सी शार्प माइनर, ठीक है। और देखिए जहाँ से गाना शुरू होता है वहीं से हम लोग सीखना शुरू करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ इसमें कौन कौन से स्वर यूज़ होंगे, क्योंकि ये जो धुन है ये आसावरी थाट पे बनी है, और इसमें गा धा नी तीनों स्वर कोमल लगेंगे। अब देखिएगा सा रे गा कोमल गा, मा पा कोमल धा कोमल नी और सा। अब ये बना सा नी धा पा मा गा रे सा। वैसे तो ये जो इसका अंतरे में जो फिलर आता है वो फिलर यहाँ तक जाएगा, सारे गा गा तक जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और धुन जो धुन का पोर्शन है वो हल्का सा एक बार नीचे भी पा तक भी जाता है, नी धा पा, ठीक है। फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। दिल के अरमा पहली लाइन है, अब इस लाइन के हिसाब से देखिएगा दिल के अरमा, पहले इतना देखिएगा दिल के अरमा, अब दिल के अरमा ये नोटेशन देखिएगा सा रे गा मा दिल के अरमा, ठीक है। बजाने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो यह कि आप इसको सीधा बजाएं, सीधा कैसे गा सा रे सा नी सा सा, एक तरीका तो यह है। और दूसरा तरीका है रे का कण लेकर के इसको बजाएं, तो वो थोड़ा और सुंदर लगेगा। आ आ सुखों में बह गए, अब एक बार ये पूरी लाइन देख लीजिए दिल फर्स्ट लाइन के बाद ये फिलर है, और ये है प म ग म प, देखिएगा इस तरह से आएगा रह गए। अब ये जो लाइन है, अब देखिएगा
आदि आदि देखेंगे। हम वफा करके भी पा 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 दा पा मा, हम वफा करके भी तनहा पा 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 दा पा दा पा मा मा गा। रह गए ग म ध प म ग रे सा, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। अब ये है पूरी लाइन, एक बार स्लो में इसको देख लीजिए। इसका म्यूजिक पार्ट, अब म्यूजिक पार्ट देखेगा। ये इसका म्यूजिक पार्ट है। अब म्यूजिक पार्ट जो शुरू होगा वो पास से शुरू होगा, अभी इतना समझ लीजिए। उसके बाद ये क्लू आएगा, सा गा धा पा आप देखिएगा। जिंदगी एक प्यास बन कर रह गई, नोटेशन है पा पा धा सा सा नी धा पा धा पा मा पा धा पा। यहाँ जो ये नी का जो स्वर जो यूज हो रहा है, अभी नी पर भी आप दो तरीके से बजा सकते हैं, होल्ड करके बजा सकते हैं या कर्ण स्वर शुद्ध धा का कर्ण स्वर भी लगा सकते हैं। जिंदगी एक प्यास बन कर, ये तो हो गया सीधा। अगर कर्ण लगाएंगे जिंदगी एक प्यास बन कर रह गई। अब फ्रेंड्स इसके बाद आता है इसका फिलर पार्ट। अब जो फिलर पार्ट है वो देखिएगा, ये देखेगा यहां से पा से शुरू होगा और तार सब तक के गा गा तक जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर वही वापस आ जाएंगे। एक प्यास बन कर रह गई, उसके बाद प्यारे के किस्से अधूरे
तरीके से आप इसको बजा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये कोशिश आपको पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दीजिए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। और इसी तरह से हम आपके लिए अच्छे अच्छे लेसन लेकर के आते रहेंगे। और आज के इस वीडियो को बनाने में, गाने में या हारमोनियम प्लेइंग में कहीं मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक आप कीजिए इसकी प्रैक्टिस। गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।